नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी राजनीति में ही नहीं आना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो राजनीति में आए और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी के आधुनिक भारत निर्माण की नींव रखी थी, जिसका फायदा आज भी देश के लोग उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 5 बड़े कार्य जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। चालीस की उम्र में भारत रत्न राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 1984 से 1989 तक के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के 21वीं सदी में ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज यानी 20 अगस्त को उनकी 75वीं जयंती है और इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। अगर बात टेलीकॉम रेवोल्यूशन की जाए तो राजीव गांधी को भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन का पिता और डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उनके शासन में ही अगस्त 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स की स्थापना हुई, ताकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा सके और भारतीय टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा किया जा सके। राजीव गांधी के ही प्रयास थे जिसके कारण पीसीओ क्रांति हुई। पीसीओ बूथ ने ग्रामीण इलाकों को भी बाहरी दुनिया से जोड़ा। इसके अलावा 1986 में एमटीएनएल की स्थापना हुई, जिसने टेलीकॉम नेटवर्क के प्रसार में मदद की। अगर बात कंप्यूटरीकरण की जाए तो राजीव गांधी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। कंप्यूटर, एयरलाइंस, डिफेंस और टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी इंडस्ट्री में उन्होंने इंपोर्ट कोटा, टैक्स और टैरिफ को कम किया। कंप्यूटराइज रेलवे टिकट की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे में भी आधुनिकता आई। इतना ही नहीं, राजीव गांधी खुद युवा थे और उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की। इस दिशा में 1989 में संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत वोटिंग की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया। राजीव गांधी के खाते में एक और उपलब्धि भी दर्ज है। उन्होंने पंचायती राज फाउंडेशन की शुरुआत की नींव रखी। उनकी हत्या के एक साल बाद 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। देश भर में हायर एजुकेशन प्रोग्राम के आधुनिकीकरण की और विस्तार के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा की। एनपीई की मदद से जवाहर नवोदय विद्यालयों की भी शुरुआत हुई, जिनका उद्देश्य मेधावी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना था। इन स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा के दौरान आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।